करने वाले हैं पूरा देश, तो आप देश के लीडर्स हो, बड़े हो, हम सब लोग बोलते हैं, पर कैसे बड़े हो? झगड़ने के लिए नहीं, एक दूसरे से द्वेष करने के लिए नहीं, एक दूसरे को संभालना है, सबको मिलकर देश चलाना है। मदर टेरेसा ने कहा पीस, शांति चाहिए सबको। काय की शांति कैसे मिलेगी? उसने बोला पीस कैन नेवर बी अचीव बाय वेपन्स एंड बॉम्ब्स, बट इट कैन बी अचीव बाय ओनली लव। अपने जैसा दूसरे को समझो और उसको करो। आप गलती करते हैं, वो भी गलती कर सकता है, अपना फ्रेंड उसको तब के तब थोड़ा बोल दो, फिर उसकी दोस्ती करो, और दोस्ती से दोस्ती बढ़ती जाती है और आगे बढ़ते जाते हैं, सब मिलके आगे चल सकते। इस तरह से लोकमान्य तिलक ने क्या बोला था आपको सबको मालूम है ना? क्या बोला था, याद है किसी को लोकमान्य तिलक के बारे में? तो जानते कि ये सब बड़े बड़े लोग बोल रहे, पर बेटा आप लोगों को उसको आत्मसात करना चाहिए कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सबसे बड़ा अधिकार है, और वो अधिकार हम नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे तो हम आगे कैसे चलेंगे? इसलिए पहले समझो कि हम अपने देश को बचा के चलेंगे, देश ही हमारा सब कुछ है, हमारी जाति और अलग अलग रिलीजन ये नहीं है, ये कुछ नहीं है। एक घर में कोई, मैं बाहर गई थी बहुत बार देखा, एक बुद्ध है, एक ईसाई है, एक हिंदू है, ऐसे एक घर में रहते प्यार से। हमारे यहाँ पे क्यों ऐसे कि ये जड़ से आप निकाल रहे, आप ही लोग उसको बदल सकते हैं, अगली पीढ़ी अगले लोग लीडर्स आप लोग ही हमारे भविष्य। हम तो थोड़ा सा अभी बोलकर आपको समझा के चले जाएंगे। तो ये सारी बातें मुझे थोड़ा सा बोलना था आपके साथ कि इनके विचार आप ध्यान में रखो और इस विचारों को समझकर हर कार्य करो, और आप करेंगे, आपके स्कूल से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा नाम कर रहे हैं, आपके टीचर्स इतने अच्छे हैं जो सब छोड़ के आ रहे हैं आपके साथ और यहाँ बैठे, और ये सब आगे के सब चीजें बढ़ाएंगे। हमें बिल्कुल उम्मीद है, और इस उम्मीद के साथ मैं आपको सबको खूब खूब बधाई और आकांक्षा के साथ